अब देखिए, एक टाइम पर हमारे रामलला टेंट में विराजते थे, बहुत ही मुश्किलों से उनकी पूजा होती थी, बहुत ही कष्टदायक समय हम सबके लिए, राम जी के लिए ही नहीं बल्कि हम सबके लिए बहुत ही ज़्यादा कष्टदायक समय था। ठीक है, उन सब चीज़ों को हम याद नहीं करते हैं, बस इतना सब कुछ अच्छा हो गया है तो हम सिर्फ अच्छी अच्छी बातें करते हैं। और अब जबकि हमारे रामलला, हमारे अयोध्या प्रभु श्री राम अपने राजमहल में प्रतिष्ठित हुए हैं, एकदम राजा बनकर उनके ही अयोध्या में, उनके ही राज में, उन्हीं के महल में प्रभु श्री राम प्रतिष्ठित हुए हैं, तो उनका स्वागत भी तो उसी तरह होना ही चाहिए ना। तो उसी तरह एकदम वापस से हमारे यहाँ सारे देश भर में साल में दूसरी दिवाली बनी है, एक दिवाली जब जो हमेशा ही आती है, और ये हमारे रामलला की दिवाली है जो अस्तित्व राम जी का है। ठीक उसी तरह जब हमारे प्रभु श्री राम 14 साल का वनवास कर अयोध्या लौटे थे, तो तब एक दिवाली मनी थी, और आज 500 साल वर्ष बाद उसी उत्साह से, उसी उमंग से, उसी ही एक्साइटमेंट से, बल्कि उससे कई 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 ज़्यादा करोड़ों लोगों का उत्साह इसमें लगा है फ्रेंड्स। और एक बार सारे दुनिया में दिवाली मनाई गई है रामलला के लिए, हमारे प्रभु राम जी के लिए, तो उसका उत्साह, लोगों का उत्साह तो उमड़ कर आएगा ना, लिटरली गूज बम्स आ रहे हैं, रोंटे खड़े हो रहे हैं। हमारे रामलला 500 साल बाद उनके महल में विराजे हैं, तो उनका उत्साह, लोगों का उत्साह भी उतना ही होगा। तो देखिए उसके सेलिब्रेशंस क्या क्या थे, मैं क्या ही बताऊँ, मैं निशब्द हूँ। बस इतना ही कहूँगी कि आप वीडियो सारा देखिए और एंजॉय कीजिएगा। खुशियाँ, इतनी उल्लास, उतना उत्साह, बस लोगों की खुशी और खुशी के आंसू, बस मैं क्या ही क्या ही क्या ही कहूँ। बस चलते हैं हमारे वीडियो में। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर हमारे मंदिर में सजाया गया दरबार। तैयारियां हो रही है। तो देखिए यहाँ पर प्रभु श्री राम के लिए मैं बना रही हूँ एक ऑथेंटिक ट्रेडिशनल भोग की थाली, जो वाकई में, मतलब जो रियल में जैसी बनती है। आजकल के मॉडर्न रेसिपीज़ मैं कुछ भी नहीं बनाई हूँ, मॉडर्न डिशेस कुछ भी नहीं बनाई हूँ, बहुत ही ऑथेंटिक, बहुत ही ट्रेडिशनल भोग की थाली। तो देखिए यहाँ पर बना रही हूँ मैं खीर, पूरी, जीरे आलू की सब्ज़ी, दही आलू जीरे की सब्जी, एंड चावल और थोड़े से नमकीन। तो देखिए यहाँ पर मैं बना रही हूँ मखाने की खीर, जिसमें दूध ली हूँ, दूध का एक उबाल आने के बाद उसमें मैं ऐड की हूँ 1 लीटर ऑफ दूध में 1 कप राइस, उसके बाद थोड़ा सा केसर ताकि कलर के लिए और सुगंध के लिए। जैसे ही हमारे राइस अच्छे से गल जाता है दूध में, तो उसके बाद मैं ऐड की हूँ शुगर आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग, उसके बाद थोड़ा सा इलायची पाउडर और मखाने। लो, बन गई हमारी केसर वाली खीर हमारे प्रभु श्री राम के लिए। तो अब हम बनाएंगे जीरे वाले आलू दही की सब्जी। तो भाई प्रभु राम जी आए हैं तो व्यंजन भी उन्हीं के हिसाब से बनेंगे ना। तो आज सारे भोग के व्यंजन बनाई हूँ मैं देसी घी में, इवन सब्जी भी। तो देखिए घी जैसे ही हमारा गर्म हो जाता है, उसमें मैं तड़का लगाई हूँ जीरा, सूखी लाल मिर्च, और ये है डल्ला हींग। ये पाउडर फॉर्म नहीं है, ये प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ हींग है जो कि डल्ले में आता है। और ये गया अदरक हरी मिर्च का पेस्ट, और इन सबको अच्छे से मिक्स करेंगे। और जैसे ही हमारी अदरक हरी मिर्ची का पेस्ट सोटे होता है, थोड़ा सा इसका कच्चापन निकल जाता है, उसके बाद हम ऐड करेंगे बॉइल्ड आलू,
जिनको मैं क्यूब्स में कट कर ली हूँ। और उसके पहले हम ऐड करेंगे थोड़ी सी मटर। मटर अभी सीज़न में बहुत है, तो आलू मटर का टेस्ट ही कुछ अलग होता है। जितने दिन मटर मार्केट में है उतने दिन डेली हमारे घर में मटर की सब्ज़ी या मटर की रेसिपी कोई ना कोई बनती ही रहती है। तो ये देखिए, यहाँ पर साइड बाय साइड मेरी खीर भी रेडी हो गई है और यहाँ पर हमारे मटर भी अच्छे से सॉटे हो गए हैं, अच्छे से गल गए हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे हमारे बॉइल्ड आलू। तो यहाँ पर देखिए, मैं अभी सारे मसाले तैयार कर रही हूँ। यहाँ पर मैं ली हूँ रेड चिल्ली पाउडर, नमक और धनिया पाउडर थोड़ा ज़्यादा सा, एंड थोड़ा सा काला नमक। और इन सबको अच्छे से मिक्स करेंगे थोड़े से पानी के साथ। ऐसा क्यों? ये यहाँ पर एक टिप है कि अगर आप सारे मसाले पानी में घोलकर कोई भी सब्ज़ी में ऐड करते हो तो उसका टेस्ट तो दुगना होगा ही होगा, प्लस हमारे सारे मसाले जलेंगे भी नहीं। और इसका टेस्ट का तो मैं क्या ही कहना, बहुत इसका टेस्ट अच्छे से निखर कर आता है। तो आप भी ये मेथड को ट्राई कीजिए एक बार। जब भी आप आलू की सब्ज़ी बनाते हैं तो इस तरह बनाकर देखिए, टेस्ट पहले से बहुत ही ज़्यादा अलग होगा। तो देखिए, यहाँ पर मैं सारे मसालों को पानी में डाइल्यूट कर ली हूँ, बिल्कुल थोड़े से पानी में। एंड इसको हम ऐड करेंगे हमारे सब्ज़ी में। हल्दी मैं पहले से ही ऐड कर दी थी और अब हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे सारे मसालों को और ढककर इसे गलाएंगे। इस सब्ज़ी को ढककर पकाएंगे थोड़ी देर, जब तक कि हमारा घी पूरा रिलीज ना हो जाए। और देखें, यहाँ पर मैं ली हूँ दही। दही को अच्छे से फेंट ली हूँ, एक कप दही है। आप देख सकते हैं, देखिए हमारे घी अच्छे से फ्लोट हो रहा है ऊपर, दैट मीन्स हमारे मसाले अच्छे से सिक गए हैं। आप घी की जगह तेल में भी इस सब्ज़ी को तड़का लगा सकते हैं। और ये देखिए, यहाँ पर मैं ऐड की हूँ दही। और यहाँ पर आता है सेकेंड टिप, जब भी आप कोई भी सब्ज़ी में दही ऐड करते हैं, जैसे ही आप दही को ऐड करते हैं फ्रेंड्स, उसको लगातार चलाते जाइए। अगर आप इसे छोड़ देंगे तो दही फट जाएगा और पानी पानी हो जाएगी हमारी सब्ज़ी। तो ऐसा अवॉइड करने के लिए आपको दही जैसे ही ऐड करते हैं, और दही एकदम थिक आपको ऐड करना है, पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं करना है, क्योंकि जब भी हम दही को गर्म करते हैं वो थोड़ा सा पतला हो जाता है। और ये देखिए, हमारा दही एकदम अच्छे से बना है क्योंकि मैं लगातार इसे चलाते जा रही थी। और हमारा दही भी अच्छे से पक गया है और घी छोड़ने लगा है। और लास्ट में फिनिश करने के लिए यहाँ पर कसूरी मेथी, जिसे मैं थोड़ा सा भून ली हूँ, एंड उसके बाद इसे हाथों से क्रश कर सब्जी में ऐड करना है। ये है सूखी मेथी। तो अब हम बनाएंगे पूरी, और पूरी को मैं तल रही हूँ घी में।
तो देखिए यहाँ पर मैं बना रही हूँ मसाला काजू, और इसे आप घी में ही फ्राई कीजिए। मेरा सजेशन है, इसे बहुत ही ज़्यादा अच्छा सा टेस्ट आता है, एक अलग सा टेस्ट आता है। नहीं तो आप ऑयल में भी इसे फ्राई कर सकते हैं। हमें इतना फ्राई करना है जितने कि ये हल्के से बादामी कलर आ जाए। अगर आप ज़्यादा डार्क करने इसे रखोगे तो ये एकदम से जल से जाएंगे, इसका टेस्ट बिल्कुल से ख़राब हो जाएगा। जैसे ही इसमें हल्का हल्का सा कलर आने लग जाए तभी आप इसे फटाफट से निकाल दीजिए। और उसके बाद हम ऐड करेंगे इसमें थोड़े से मसाले, बहुत ही बेसिक मसाले हैं जो कि हम सबके घरों में अवेलेबल होते हैं, कोई फैंसी मसाले नहीं है फ्रेंड्स, आप सभी भी अपने घर में कभी भी बना सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैं ली हूँ फ्राइड काजू, और उसमें डाल रही हूँ हल्की सी लाल मिर्च पाउडर, नमक, और बिल्कुल थोड़ा सा काली मिर्च पाउडर और काला नमक। ठीक है, आप चाट मसाला भी ऐड कर सकते हैं, बट मैं यहाँ पर नहीं ऐड की हूँ क्योंकि भगवान जी को भोग लगना है, बाहर का कोई भी आइटम मुझे इसमें ऐड नहीं करना था तो उस वजह से। और इसे देखिए अब हम करेंगे मिक्स मिक्स मिक्स। तो बन गई हमारी भोग की थाली, एकदम बनकर तैयार है। और आगे का वीडियो एंजॉय कीजिए क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है आगे का वीडियो। ठीक है, तो देखिए दोस्तों ये कोई दिवाली नहीं है, ये क्लिपिंग है प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव की, जिस दिन हम लोग शाम में दिवाली मनाए थे। तो ये उसी तरह दिवाली मनाए हैं जैसे असली दिवाली मनाते हैं। ये प्राण प्रतिष्ठा वाले दिन शाम में जो दीपोत्सव का प्रोग्राम था तब का वीडियो है। तो देखिए सारे घर में मैं दीप सजाई हूँ, मंदिर में, घर में, हर जगह। और देखिए ये उत्सव मना है मेरे पीहर में, जहाँ पर राम जी के प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर भव्य पालकी निकाली गई है, और उसमें बनाई गई झांकी, बहुत ही सुंदर झांकियाँ, बहुत ही भव्य पालकी और बहुत ही सुंदर अरेंजमेंट। बस देखिए और एंजॉय कीजिए, मैं अभी आपको कुछ भी डिस्टर्ब नहीं करूँगी, बस आप देखिए और एंजॉय कीजिए।